ये जैसे कि किसान भाइयों, आपने देखा कि इधर के अंदर में जितना भी फर्श है वो सब जो है ईंटे से और फर्श बनी हुई है, लेकिन इधर की एरिया जो है कच्ची है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये कच्ची एरिया इसलिए रखते हैं, जैसे बड़े थन की गाय हैं, फर्श पे बांधने पे उनको तकलीफ होती है, यहाँ उनको आराम रहता है बैठने बैठने में, थन नहीं खराब होता है। यानी कि आप केवल खाने के लिए और दूध दुहने के लिए ही अंदर में ले जाते हैं, बस बाकी समय इधर बाहर रहती है, यहीं पे है और इसके यहाँ अंदर भी, हाँ यहाँ भी फुहारा चल रहा है और इसमें भी जो है मतलब धूप ज्यादा होती होगी। हाँ, ये यहाँ भी पूरा दिन में फुहारा चलता है, पूरा इसमें पंखा चलता है, फुहारा चलता है, यहाँ भी सब दिन में रहती है पूरा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है किसान भाइयों, ये जो है निरंतरता जो है 20 साल की निरंतरता है और लगातार चल रहा है और ये बड़ा मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है कि इस प्रकार का डेयरी फार्म भी किया जा सकता है। बिल्कुल, मुनाफे का काम है डेयरी फार्म। अच्छा, डेयरी फार्म की शुरुआत अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो कैसे कर सकता है? आराम से कर सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी, हाँ हो जाएगा। तो एक दो गाय, तीन गाय से शुरुआत? हाँ, शुरुआत में 5 गाय से स्टार्ट करें। जी हाँ, ठीक है किसान भाइयों, अब दाने के लिए उधर सब व्यवस्था है रखी है, आइए एक बार दिखा दीजिए जो आप इनको फीड खिलाते हैं। फुहारा कर बंद करा दी हो छोटू, ये पशुहार है, ये पशुहार है। इधर इधर ये सब गेहूं कांटा है, मकई कांटा है। अच्छा, हाँ गेहूं कांटा, मकई कांटा, पशुहार, मिनरल मिक्सचर और चोकर, चोकर भी देते हैं, चोकर भी देते हैं। हाँ, तो ये सब मिला के लगभग एक जानवर को जो है कितना, एक जानवर को लगभग जो है कितना देते हैं आप? अब जितना वो खा सके, कोई उसमें वो नहीं है, नहीं रेशियो नहीं, हम जानवर को सबको बराबर खिलाते हैं, गाभिन हो या बच्चा की हो तो सबको बराबर खिलाते हैं, जिससे वो तंदुरुस्त रहे हमारे यहाँ।